Hey guys, what's up? My name is Rahul. So today I'll be talking about why did Japan attack the Pearl Harbor in 1941. 1941 में जापान ने अमेरिका के नौ सैनिक द्वीप पर्ल हार्बर हवाई में जो सिचुएटेड है वहां पे अटैक किया. सो ये अटैक क्यों किया? सो अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने सोचा कि हम अपने नेवल फ्लीट को, जो कि नौ सैनिक अपने जो जहाज हैं उसको हम लोग कैलिफोर्निया से शिफ्ट करके हवाई में कर देंगे, जो कि पर्ल हार्बर पे कर देंगे जो कि पैसिफिक ओशियन में है. सो वहां पे आने की वजह से जापान के बहुत ज्यादा करीब हो गया अमेरिका, जिससे जापान को डर हो गया. बात तो सही है. तो जापान ने उस पर अटैक कर दिया, अपने कुछ लोकल शिप्स ले जाकर के अटैक कर दिया. तो जब ये अटैक हुआ तो रशिया, जो अमेरिका और ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर टू में खींचे चले आए इसकी वजह से, इस इंसिडेंट की वजह से. तो जब अमेरिका ने जापान से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो जापान ने कहा कि हमें डर था कि आप फ्यूचर में हमारे इतने करीब आ गए हैं, फ्यूचर में हम पे अटैक कर देते और तुम्हारी वॉरशिप्स हमारी वॉरशिप्स से बहुत ज्यादा हो जाएंगी और हम आप पे लाइक अपने आप सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, इसकी वजह से हमने अटैक किया. जिसके रिटेलिएशन में अमेरिका ने 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में ये अटैक किया, ये एटॉमिक बम गिरा दिया और उसे पूरा एकदम नेस्तनाबूद कर दिया. सो बेसिकली एक पावर टसल था पैसिफिक ओशियन में. अमेरिका पैसिफिक ओशियन में एक्सपेंड होना चाहता था और जापान भी पैसिफिक ओशियन में एक्सपेंड होना चाहता था, इसकी वजह से पर्ल हार्बर पे अटैक किया गया. ओके, सो दीज वर द फ्यू थिंग्स अबाउट द अटैक ऑफ जापान एट द पर्ल हार्बर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.